हार्ट फेस शेप के लिए हेयर स्टाइल्स की वीडियो के बाद सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि हार्ट फेस शेप के लिए सनग्लासेस कौन से यूज करें। अब भाई गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में सनग्लासेस तो मस्ट है, और आपकी फेस शेप बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप अपने लिए सनग्लासेस चूज करते हो। अगर आपको अपनी फेस शेप नहीं पता तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लो, जिससे आपको अपनी फेस शेप आसानी से पता लग जाएगी। हार्ट फेस शेप का सबसे बड़ा फीचर होता है उसका फोरहेड, यानी कि उसका माथा, जो कि सबसे ज्यादा वाइड होता है। फिर आपकी जॉलाइन की विड्थ आपके फोरहेड से कम होती है और चिन होती है पॉइंटी। अब आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपकी फोरहेड और जॉलाइन की विड्थ में डिफरेंस है, बस इसी को करेक्ट स्टाइलिंग से आपको बैलेंस आउट करना है। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा वाइड सनग्लासेस आपको अवॉइड करने हैं, जो कि आपके फोरहेड को और भी ज्यादा वाइड दिखाएंगे। आपके सनग्लासेस आपके टेम्पल्स यानी कि फेस के इस एरिया पे आके खत्म हो जाने चाहिए। अगर आप किसी लोकल स्टोर से खरीद रहे हो तो इस चीज को नोटिस कर लेना कि आपके सनग्लासेस बस यहीं टेम्पल्स पे आके खत्म हो जाएं, ना ज्यादा चौड़े हो ना ज्यादा कम। और अगर सनग्लासेस ऑनलाइन खरीद रहे हो तो फेस के इस एरिया को किसी इंची टेप से मेजर कर लो, और जो भी सनग्लासेस खरीदने हैं उसकी मेजरमेंट से मैच कर सकते हो। अब अगली चीज है कि फ्रेम्स कौन से खरीदें। देखो, हार्ट फेस शेप के फीचर्स राउंडेड और सॉफ्ट होते हैं, तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए आपको फ्रेम्स एंगुलर और शार्प पहनने चाहिए, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल। और राउंडेड फ्रेम्स इन्हें अवॉइड करना है आपको, क्योंकि फ्रेम्स के मामले में आपको बिल्कुल ऑपोजिट करना चाहिए। अगर आपके फेस के फीचर शार्प हैं तो आपको राउंडेड फ्रेम्स पहनने हैं, और अगर फेस के फीचर सॉफ्ट हैं तो शार्प फ्रेम्स पहनने। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्लब मास्टर्स टाइप के एक सनग्लासेस आते हैं जिनमें सनग्लासेस के ऊपर की तरफ हैवी फ्रेम दिया होता है और नीचे की तरफ फ्रेमलेस और राउंडेड होते हैं। इन्हें आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये आपके फोरहेड की तरफ ज्यादा अटेंशन लेके जाएंगे। वेफेयरर्स तो ऐसे टाइप के सनग्लासेस हैं जो कि हर फेस शेप पे सूट करते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन एक और चीज मैटर करती है, वो है आपके फेस का साइज। अगर आपका फेस बड़ा है तो आपको बड़े फ्रेम्स यानी कि बड़े सनग्लासेस चूज करने चाहिए, और अगर आपका फेस छोटा है तो आपको छोटे फ्रेम्स यानी कि छोटे साइज के सनग्लासेस चूज करने चाहिए। छोटे फेस पे बड़े सनग्लासेस और बड़े फेस पे छोटे सनग्लासेस दोनों ही बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर अपने लिए पहली बार फ्रेम्स खरीद रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप ब्लैक या ब्राउन इस टाइप के कलर्स लो, जो कि मोस्टली हर आउटफिट के साथ मैच करते हैं, और बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं बजट की। देखो, फ्रेम्स के मामले में ज्यादा सस्ते में अगर जाओगे तो लॉन्ग रन में नुकसान ही होगा आपका, क्योंकि सस्ते फ्रेम्स ज्यादा चलेंगे नहीं, उनके लेंसेज पे स्क्रैच लग जाएंगे, आपकी आईज के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपको रोज पहनना है, रेगुलरली पहनना है, तो 1000 से 2000 के बजट में आपको अच्छे फ्रेम्स मिल जाएंगे जो कि अच्छा चलेंगे। वहीं अगर आपको ओकेजनली पहनना है, कभी कभी पहनना है, तो आप 500 से 1000 के बीच के भी सनग्लासेस ले सकते हो, क्योंकि वो जल्दी खराब भी नहीं होंगे क्योंकि आप उनको पहनोगे ही कम। अभी भी कोई भी सवाल मन में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे आके निकाल दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ बात भी करने आ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वो लाइक का बटन दबा देना। नमस्ते।